नमस्कार, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोगों का जो विषय चल रहा है, अध्याय चल रहा है, वो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 74 तक की बात करेंगे। इसमें हम लोग अपनी पिछली कक्षा में राष्ट्रपति के बारे में पढ़े। राष्ट्रपति के बारे में एक समीक्षात्मक व्याख्यात्मक प्रश्न के रूप में हम लोग एक प्रश्न और उत्तर को भी देखा। अब हमारा जो विषय है आज का, महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के से संबंधित क्या प्रमुख प्रावधान हैं उनको देखेंगे। उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारतीय उपराष्ट्रपति की प्रमुख बिंदुओं पर क्या भिन्नता है, हमारा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से प्रेरित है आदि को देखेंगे। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। आइए देखते हैं हमारे अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 67 है। अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 बात करता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। और जो 67 कह रहा है अनुच्छेद, वो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की पद अवधि और पद अवधि में ही ये दिया है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। एक विशेष समझ विकसित करने के लिए, परीक्षा की दृष्टि से इसको अपने मस्तिष्क में स्थान देने के उद्देश्य से इसको एक लिखित कक्षा के रूप में लिया गया है। वन लाइनर कक्षा बेस्ड नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कक्षाएँ होती हैं वो व्याख्यात्मक समीक्षा पर केंद्रित होती है। आइए अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 63 हमारे संविधान के भाग 5 में है और उसमें लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति कौन होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 67 किस चीज़ की बात करता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, ठीक, और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। आइए इन सभी तथ्यों को और देखते हैं विस्तृत। भारत में उपराष्ट्रपति का पद इस संवैधानिक अनिवार्यता से प्रेरित है, संवैधानिक भारत में उपराष्ट्रपति का पद इस संवैधानिक अनिवार्यता से प्रेरित है कि यदि किसी कारण राष्ट्रपति का कार्यालय अचानक रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। देता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कब करते हैं, तो अचानक जब राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त कैसे होता है, तो रिक्त होने के 3-4 प्रमुख कारण हैं। एक तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी, या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देगा, या अस्वस्थ होगा, या महाभियोग का सफल संचालन उत्पन्न हो गया हो। ठीक है, हम लोग पिछली कक्षा में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कब खत्म होती है, कितने दिनों का वो होता है, राष्ट्रपति को जब महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा हो तो क्या उसको अधिकार है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। तो ये देखिए इसमें उपराष्ट्रपति वाले विषय में कि ये रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु से रिक्ति हो सकती है, त्यागपत्र द्वारा रिक्ति हो सकती है, अस्वस्थता से रिक्ति हो सकती है, या महाभियोग के सफल संचालन से उत्पन्न रिक्ति हो सकती है। अब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है तो उसे वो सभी सुविधाएँ, वेतन भत्ते और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए निर्दिष्ट है। ये तो सामान्यतः याद रहता है, लेकिन पूछा ये जाता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है, अर्थात राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है, उत्तरदायित्व को निभा रहा होता है,
तो क्या वे राज्यसभा का सभापति होता है? क्या उसके दायित्वों को भी साथ साथ निभाता है? जी नहीं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति से, राज्यसभा के सभापति की भूमिका के दायित्वों से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? उन्मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, उस समय राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वही राज्यसभा के सभापति के दायित्वों की भूमिका निर्वहन करता है। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है तो उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो उसे वो सभी सुविधाएं, वेतन भत्ते और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए निर्दिष्ट हैं। इस दौरान उन्हें राज्यसभा के सभापति की भूमिका के दायित्वों से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। दायित्वों से क्या होती है? उन्मुक्ति प्राप्त होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से ये पैराग्राफ लिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है भाई? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है। जैसे राष्ट्रपति क्या होता था, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया इसमें भी है, लेकिन निर्वाचक मंडल में भिन्नता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है। नामांकन के लिए कौन कौन होता है? निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों का प्रस्ताव प्रस्तावक के लिए तथा 20 सदस्यों का अनुमोदक के लिए अनिवार्य है। अब पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जब नामांकन किया जाता है तो कितने प्रस्तावक होते हैं और कितने अनुमोदक होते हैं? तो 20 प्रस्तावक होते हैं जो राज्यसभा, जो संसद के, या ऐसे कहेंगे कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनमें से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए। ठीक, संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। यहाँ दोनों सदन से संबंध है, राज्यसभा उच्च सदन प्लस लोकसभा। ठीक, अब आइए हटाने की क्या प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति को। संविधान उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किसी आधार को उद्घोषित नहीं करता है। अर्थात जब ये प्रश्न आता है कि क्या उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उद्घोषण है संविधान में, तो नहीं। ये राज्यसभा की विशेष शक्ति को प्रदर्शित करता है, ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव कहाँ प्रदर्शित करता है, पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो सिर्फ राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए जब ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। राज्यसभा इस पर चर्चा करने के बाद इसे विशेष बहुमत से पारित कर सकती है। विशेष बहुमत, हम अपनी वीडियोस में विशेष बहुमत के बारे में पढ़े हैं, अभी ये जानते हैं कि उपस्थित सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले हैं उनके 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता है वो विशेष बहुमत होता है। ठीक, आप हमारी सभी कक्षाओं को अगर क्रमवार देखेंगे, 11 क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी नाम से जो कक्षाएं हैं उनको आप शुरू से अगर देखेंगे तो आपको हर चीज़ों को समझने में और बेहतर अनुभव प्राप्त होगा या बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। वैसे अब इसमें आगे है कि राज्यसभा क्या करेगी, विशेष बहुमत से। ठीक, विशेष बहुमत मतलब क्या होता है, जिस सदन में, विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पास किया जाता है वो विशेष बहुमत होता है। ठीक, इसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है यही प्रस्ताव, वहाँ साधारण बहुमत से। अब साधारण बहुमत से तात्पर्य है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज़्यादा। ठीक, बहुमत से ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी उसके किसी बिना किसी अतिरिक्त कार्यपालिका आदेश के उपराष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है। अब उपराष्ट्रपति के पद मुक्ति के संबंध में हमारा संवैधानिक प्रावधान नहीं है,
राज्यसभा को विशेष शक्ति इस संदर्भ में प्राप्त है। राज्यसभा क्या करती है, जब ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 14 दिन पूर्व ही उपराष्ट्रपति को इस बारे में सूचना दी जाती है। जो राज्यसभा होता है विशेष बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर देता है। विशेष बहुमत से राज्यसभा में यह प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देती है और उपराष्ट्रपति उसी समय से पदमुक्त हो जाता है बिना किसी कार्यपालिका आदेश के। अब हम इसमें देखेंगे भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की संवैधानिक तुलना, ये क्यों चर्चा में रही है। देखिए, भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों के बीच संवैधानिक तुलना इस कारण चर्चित रही है क्योंकि भारत में यह पद अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित रहा है। पूछेगा कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस व्यवस्था से प्रेरित है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित रहा है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पद की शेष अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद के दायित्वों का निर्वहन करता है। अमेरिका में रिक्त पद हो जाने पर पद की जो शेष अवधि होती है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। भारत में उपराष्ट्रपति इतना शक्तिशाली नहीं है, कृपया हमारी वीडियोस को अंत तक देखते रहें और उस संवैधानिक रिक्तता को समाप्त करने के लिए तदर्थ रूप से कार्यपालिका प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक, ऐसी रिक्तता से अधिकतम 6 माह। अब यहाँ देखिए, तुलना देखिएगा, अमेरिकी व्यवस्था क्या है कि वहाँ राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, जितना शेष रहेगा मान लीजिए कि 8 महीना शेष है अमेरिका में, ठीक, और तो वहाँ पे 8 महीने तक उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, उत्तरदायित्व को निभाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो उपराष्ट्रपति है अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है। लिखा है यहाँ, ऐसी रिक्तता से अधिकतम 6 माह के भीतर निर्वाचन द्वारा नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता है। हमारे संविधान में यह ऐसा विधान है कि राष्ट्रपति का पद 6 माह तक से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता है, रिक्त नहीं रह सकता है। आइए इसको एक बार देखते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 63 की बात करते हैं, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 67 की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के बारे में एक विश्लेषणात्मक व्याख्या यहाँ देखेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति का पद इस संवैधानिक अनिवार्यता से प्रेरित है कि यदि किसी कारण राष्ट्रपति का कार्यालय अचानक रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। ये रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, अस्वस्थता या महाभियोग के सफल संचालन से उत्पन्न हो सकती है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है तो उसे वे सभी सुविधाएँ, वेतन भत्ते और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए निर्दिष्ट है। इस दौरान उन्हें राज्यसभा के सभापति की भूमिका के दायित्वों से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों का प्रस्तावक के रूप में तथा 20 सदस्यों का अनुमोदक के रूप में अनिवार्यता है। संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दोनों सदनों से तात्पर्य राज्यसभा तथा लोकसभा से है। संविधान उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किसी आधार को उद्घोषित नहीं करता है, ये राज्यसभा की विशेष शक्ति को प्रदर्शित करता है क्योंकि ऐसा प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। राज्यसभा इस पर चर्चा करने के बाद इसे विशेष बहुमत से पारित कर सकती है। इसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत होता है जहाँ साधारण बहुमत से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है बिना किसी अतिरिक्त कार्यपालिका आदेश के। उपराष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है। भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों के बीच संवैधानिक तुलना इस कारण चर्चित रही है क्योंकि भारत में यह पद अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित है। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पद की शेष अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। भारत में उपराष्ट्रपति इतना शक्तिशाली नहीं है और उस संवैधानिक रिक्तता को समाप्त करने के लिए तदर्थ रूप से कार्यपालिका प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ऐसी रिक्तता से अधिकतम 6 माह के भीतर निर्वाचक द्वारा नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता है। आइए उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं। अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 69 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का सबको शपथ कौन दिलवाएगा, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कहाँ होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा समझना है इसको, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि उपराष्ट्रपति का जो चयन हुआ है, उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति हुई है वह अवैध है, तो अवैध होने की तिथि से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए जो कार्य होंगे वो वैधानिक होंगे, ठीक, वो मतलब ख़त्म नहीं होंगे, उनकी वैधानिकता सही रहेगी, यथोचित रहेगी, ठीक। जिस दिन से वह पद के अयोग्य घोषित होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस दिन के बाद से उपराष्ट्रपति के पद पर तो रहेगा ही नहीं, तो उसके द्वारा कोई कार्य भी नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है। चुनौती का आधार निर्वाचक मंडल का अपूर्ण होना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 545 लोकसभा और 245 राज्यसभा है, राज्यसभा मान लीजिए कि 238 मेंबर हैं, ठीक, तो ये आधार नहीं होगा कि 7 रिक्तियां हैं, तो इन रिक्तियों को आधार मानकर कोई न्यायालय में चुनौती नहीं देगा, न्यायालय में इससे समझिए कि चुनौती के आधार निर्वाचक मंडल का अपूर्ण नहीं होना है कि मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संपूर्ण सदस्य संख्या जब तक पूरी ना हो, वो पूरी हो चाहे ना हो, आप उपराष्ट्रपति का चुनाव होना निश्चित है, सुनिश्चित है, ऐसा हमारा संवैधानिक प्रावधान है, और निर्वाचक मंडल के सदस्यों के या निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की स्थिति में इसको आधार मानकर हम न्यायालय में उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद मानकर नहीं जा सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट इनके काम को देखेगा, अब लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो खाली हो गए ना पद, अब इनको कौन देखेगा, तो प्रेसिडेंट ये खाली हो जाता है तो कौन करेगा, तो इनके पद के लिए राष्ट्रपति जो करेगा वो राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को क्या बना देगा, अध्यक्ष बनाएगा, ठीक। मतलब वाइस प्रेसिडेंट की अगर पद उस दिन वो नहीं है, वह तो मतलब उपराष्ट्रपति नहीं है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये नियुक्त किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, तो ये नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए, इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक का है। अब एक बचा रह गया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अर्हता क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद न धारण किया हो, ठीक है। लाभ के पद में शामिल नहीं है क्या भाई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
मिनिस्टर एटसेट्रा। ठीक, आज हम उपराष्ट्रपति विषय पर सभी तथ्यों को पढ़ें, आप हमारे वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने वाले साथियों को भेजें, उनको शेयर करें। अब हम भारतीय राज व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, उस शैडो मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या विभेद है, क्या अंतर है उसको देखेंगे, किचन कैबिनेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, शैडो कैबिनेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, मंत्रियों के कितने प्रकार हैं उनको जानेंगे, किस संवैधानिक प्रावधान द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया उसको जानेंगे आदि आदि। उसके बाद हम लोग लगातार प्रधानमंत्री के संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, उसके बाद अपने विषय को और आगे बढ़ते हुए एक सिलेबस को पूर्ण करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आप अपने कमेंट देते रहें, आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत नमस्कार।